बीजेपी वाहक सेना के लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हाजी अरफाज शेख को एक धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को छोड़ दें नहीं तो इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। ऐसे में तो नामालूम हमलावरों ने पठानी में मलबूस होकर यहाँ उनकी कार के शीशे भी तोड़े। हाजी अरफाज जी, तमाम तफसीलात जानने के लिए आपके पास हम आए हैं। हाजी अरफाज जी, क्या हुआ, सुना ये वाकया क्या था? दी जा रही थी सोशल मीडिया के जरिए, धमकी दी जा रही थी फेसबुक के जरिए, धमकी दी जा रही थी। उसकी कोई जानकारी जब पुलिस को मिली थी कि फेसबुक पर कुछ दिनों पहले कोई खान जुबैर खान नामे एक बंदा लाई बातें बोल रहा है कि बीजेपी के दलाल लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, कौम का नुकसान कर रहे हैं और इन लोगों से रास्ते पर खून निकलने लगूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, इस तरह की बातें कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि मुझे कुछ छोड़ दो। फिर उसके बाद एक अट्ठा रोड जेल से मुझे फ़ोन आता है, अचानक से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला आपको मैं नहीं जानता, कहाँ से मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करता है और बार बार मिलने की बात करता है। मैंने कहा कि अभी ज़्यादा होशियारी करेंगे तो मैं पुलिस के अंदर आपका नंबर दूँगा। इस तरीके से मैंने पूरा उसको भी तकरार बताई, तो ये कंटिन्यू चल रहा था। 15 दिन से मैं वहाँ बीमार थे, परसों के रोज ही हम चार्ज होकर आए, कल यह हादसा हुआ और उसमें साफ तौर पर एक ही चीज़ कह रहा है कि कौम को गुमराह मत करना और बीजेपी छोड़ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हाजी अरफाज शेख ने कभी भी कौम को गुमराह नहीं किया और कौम का हमेशा साथ दिया। हर मुद्दे पर, हर कौम के हर मुद्दे के ऊपर सबसे पहला बेबाक होकर हाजी अरफाज शेख हमेशा खड़ा रहा, खड़ा रहेगा। और ऐसे जो लोग हरकत करके धमकी देने की कोशिश करते हैं, उससे डरने वाला हाजी अरफाज शेख नहीं है। मैंने ऐसे कई मुद्दे आपके सामने मैं रखूँगा, हज हाउस के अंदर हज कमेटी का कोटे का मुद्दा होने दो तो सबसे बड़ा आंदोलन मेरा रहा, उर्दू टीचर का आंदोलन होने दो सबसे बड़ा आंदोलन मेरा रहा, औरंगाबाद का इज्तिमा का जो था पूरे महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को बोलकर पूरे टोल फ्री कराने का काम मैंने किया, ऐसे कई मुद्दे, खाटिक समाज के कई मुद्दे, मेरा इतना बड़ा समाज है 30 लाख की संख्या के अंदर मेरा खाटिक समाज है, ऐसे कई OBC के SC के ऐसे मुद्दे के ऊपर हमने आंदोलन किए। वाहतूक संगठन का मैं नेता हूँ, शुरुआत 1300 मेंबर से की थी, 7.5 लाख मेंबर है। कई संघर्ष हमने किए, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, टेम्पो वाले के लिए कई आंदोलन मैंने किए, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। पर एक घटिया तरीके से रात के अंधेरे में आकर इस तरीके की हरकत करना, ये कहीं ना कहीं ये नामर्दानगी वाली बात है। मैं उन लोग जो भी अगर सुन रहा होगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनेगा तो ज़रूर मैं कहूँगा कि ये नामर्दानगी वाले काम है, मर्द वाला काम नहीं है। मर्दानगी होती है तो सामने सामने आके लड़ता और सामने लड़ता, उसका सामने पूरी तरीके से जवाब दिया था। लेकिन अभी इसके बाद पूरा अलर्ट रहा जाएगा और इसके बाद अगर कोई ऐसी हरकत नज़र आई तो उसको रास्ते पर नंगा करने का काम ये हाजी अरफाज शेख जरूर करेगा। इस ये दूसरी धमकी है आपको, इससे पहले भी धमकी आ चुकी है आपके ऊपर, हमले भी हो चुके हैं इससे पहले भी आप पर, ये तमाम चीज़ें हो गई है सोशल मीडिया पर, तो मुसलसल आप पर जो है ट्रोल होते हैं आप, और बीजेपी के जो चीज़ें होती है, बीजेपी की जो पॉलिसी, आप जिस तरह से मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने बीजेपी में रहकर मुसलमानों के लिए काम किया, तो ऐसे में जो मुसलमान है वो सोचते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है और इसमें जो है हाजी अरफाज रहकर जो है वो कौम को गुमराह कर रहा है। जिस तरह से आपने हमले का जिक्र किया, उसमें आपको ये धमकी दी गई थी बीजेपी छोड़ने की, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं उन लीडरों से पूछूंगा कि जो मुसलमान पार्टियों के अंदर है और दूसरी पार्टियों में, उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए उनकी पार्टी में रह के वो क्या काम कर रहे हैं जी, क्या कौम का भला कर रहे हैं जी। अगर मैं बीजेपी में रहकर हिंदुओं के साथ में रह के, हिंदू लीडरों के साथ में रहकर मेरी कौम का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ रहूँगा और काम करूँगा ताकि मेरे ज़ात से कुछ ना कुछ काम हो। आज बांद्रा मस्जिद का कब्रिस्तान का मामला था, यह हाजी अरफाज शेख ने कब्रिस्तान का काम करवा के आशीष शेलार्जी से दिया। हाजी अली दरगाह के बाहर जब मस्जिद का डिमोलिशन था, देवेंद्र फडणवीस साहब से बोलकर उसको रुकाने का काम करके दिया। ऐसे महाराष्ट्र में कई मस्जिदें, मदरसे, दरगाहों के वक्फ बोर्ड के से कई काम में मेरे हाथ से हुए, तो मैंने क्या गुनाह किया? और मैं उन लीडरों से पूछूंगा कि हर एक के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। मैं इस पार्टी में रहकर काम कर रहा हूँ और तो इसका मतलब कि ये सेकुलर पार्टी में रहकर काम करो तो हाजी अरफाज अच्छा, और बीजेपी के अंदर एक हिंदू लीडरों के साथ में करो तो हाजी अरफाज बुरा।
तो ये कौन सी हर एक पब्लिक के तरीके से प्लेटफॉर्म पे क्या मामला है आपके साथ? जैसे जुबैर खान आपने देखा है कि जुबैर खान जो है आप कोई भी एहतजाज करते हो उसके खिलाफ जो है वो जुबैर खान, मैं तो ऐसे व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ कौन है जुबैर खान। जुबैर खान है कोई नुखा आदमी होगा आज, वो नुखे को मैं बताना चाहूंगा अपनी नुखागिरी बंद कर दे। और ये सर मैं ऐसे लुखे के ऊपर बात भी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर इस मामले के अंदर अगर उसने अगर ये हिम्मत की है ना तो ये उसके कान फोड़ना लाजिम है। ये हाजी अराफात से कुछ लिमिट तक है, कोई भी चीज़ की बर्दाश्त की हद होती है, एक आदमी बर्दाश्त उतनी हद तक करेगा जितनी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आज तुम्हारे घर तक अगर अगर तुम अगर कभी हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो वो हाजी अराफात शेख के साथ बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी ताकत है। ये उसको समझना चाहिए या जो कोई भी हो उसको समझना चाहिए कि ये तरीका एक हिजड़ा जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक दीवार उसकी कुछ अंतर होता है, ये उससे भी बदतर हरकत है। पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की है, जिस तरह से हमारी बात हुई थी डीसीपी साहब से भी, वरना अशोक जी से और सीनियर पीआई यहाँ के जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी बंद होने की वजह से उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे मुंबई पुलिस का भरोसा है। ज़रूर जो कोई भी हो इसमें अब जिसके क्या साजिश है, क्या मंशा है, किस वजह से ये हो रहा है, क्या चाहता है, किसी के बोलने के ऊपर हाजी अराफात से कोई निर्णय लेता नहीं है और पार्टी छोड़ता नहीं है। ऐसे भूल झपट वाले से कोई डरने वाला भी नहीं कार्यकर्ता। अब आप और मजबूती के साथ पार्टी से जुड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरी ताकत। आज मैंने फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कार्यकर्ता एकदम शांत रहे, सभी पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आना शुरू हो गए, महाराष्ट्र भर से फोर आना शुरू हो गए। तो मैंने सभी को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति से हो रहा है, पुलिस काम पुलिस कर रही है, पूरी बातों भी पुलिस अपने तरीके से। सुबह से मैं देख रहा हूँ सीनियर पीआई भी दो बार इधर आके गए, डीसीपी साहब भी आके गए और सभी लोग, और जिन जिन को यंत्रणा को काम करना है उन्होंने बिल्कुल उनको लगाया है। उन्हें देवेंद्र फडणवीस जी का मुझे कॉल सुबह सुबह आया, आशीष शेलार जी का कॉल आया, चंद्रकांत दादा पटेल जी का कॉल आया, सभी लोग ने कहा कि बिल्कुल हम पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरे पार्टी के नेता आपके साथ है, पूरे परिवार के साथ है, कि अपने आप और भी पार्टी के जो लोग थे जो मेरे साथ में रही मिनिस्टर जुड़े हैं उनके भी फोन आए, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम इस चीज के ऊपर पुलिस को बोल के करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है पुलिस राइट काम करेगी। और ये जो हो रहा है पिछले कई महीनों से, मैं नगर के अंदर मैं आयोग का जब अध्यक्ष था बताते हुए दुख भी होता है कि मैं आयोग का अध्यक्ष होने के बाद मैं आयोग अपलादारी करके महाराष्ट्र भर मेरा दौरा शुरू था। उस दौरान के अंदर मुझे मेरी एसपीओ की सुरक्षा होते हुए, लोकल सुरक्षा होते हुए, आगे पीछे पुलिस वहाँ की लोकल पुलिस भी थी, उस वक्त मेरे को एक पीछे से खंजर जैसा करने का काम किया। तब मुझे पता चला कि पीछे किसी ने कुछ मार दिया, चुप गया है, तब खून आने शुरू हुआ। तभी भी मैंने देखा कि ये बार बार इस तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करना बंद कर दूंगा, चुप बैठ जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। संघर्ष मेरे जीवन में है, बिल्कुल करूंगा। जो कोई भी राजनीति नेता अगर ये चाल चल रहा है या और कोई कार्यकर्ता का मन दुखा होगा कि मैं हाजी अराफात शेख इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो भी होगा। तो मैं सबको इतना समझा नहीं सकता, सबको बोल नहीं सकता, पर इतना कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिस पार्टी में भी हूँ मैं अपने कौम का पूरा वफादार हूँ, पूरा कौम का ध्यान रख के काम कर रहा हूँ। आज तक के मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए पिछले 25 सालों के अंदर जिससे मेरी कौम मुझसे नाराज़ हो, कोई ऐसी चीज़ गलतियाँ नहीं करी। मेरे उलमाओं से अगर आप पूछ सकते हो, कई हमारे बुज़ुर्गों से पूछ सकते हो, खाटिक समाज के बड़े नेताओं से पूछ सकते हो, तो कभी भी कोई बताएगा नहीं कि मैंने जो भी आया लब्बैक करके उनके काम किया, कोशिश किया। कोशिश करना हमारा काम है, बहुत सारे लोगों के काम होते और बहुत सारे लोगों के काम नहीं होते। अब नहीं होंगे तो मैं 100% तो सब काम कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो, मैं लोगों के काम कर सकूँ और उसके अंदर अल्लाह मुझे कामयाबी दे। पर अगर बहुत सारे लोगों के काम नहीं होते, जिसका मन दुखता तो फिर ऐसी हरकतें करते, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मैं अपनी हद तक के काम कर रहा हूँ और उन लोगों से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ना करें जिसके वजह से अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। अगर तुम एक पत्थर मारोगे और पता चला तो हजारों कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अंदर है, 36 जिलों के अंदर कार्यकर्ता है, खाटिक समाज के लोग हैं, वाहतुक संगठना के लोग हैं, अननेसेसरी कोई
बड़ा चीज़ खड़ा हो जाए, तो ये सारी चीज़ मैं भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं भी संयम रख के शांति से महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, मुंबई पुलिस कमिश्नर जी से कहना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर जी से कहना चाहूँगा कि जो कोई भी इसकी तपास करके उस दोषी को सजा मिलना चाहिए, यही मेरी अपेक्षा आपसे। ये थे हाजी अरफाज जो बता रहे थे कि जिस तरह से उन पर एक कायराना हमला किया गया, और अगर दोबारा कोई इस तरह की जरूरत या हिम्मत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी देने का काम जो है हाजी अरफात और उनके वर्कर्स कर सकते हैं, लेकिन फिलवक्त वो नज़्म व नस्क और लॉ एंड ऑर्डर के साथ में है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले की पेशरफ्त करके जांच करे, और जांच में जो भी खाती हो उसको सज़ा दी जाए। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।